है तो बिंदास भुज पे देखने वाले सभी दर्शकों को प्रियंका पंडित का प्यार भरा नमस्कार। क्या करें, काम ही ऐसे हैं, मतलब अभी तो बोल सकते हैं नोटबंदी की, मतलब यही सब रह गया करने को, हफ्ता वसूली, दारू का धंधा, नाचने वाली। अच्छा है, लेकिन एक एज ए आर्टिस्ट अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है सब कुछ करके। एक्चुअली हम आज क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं रैम्बो राजा का, और वसूली टाइप का कैरेक्टर नहीं है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, हमारे डायरेक्टर धीरू जी, उन्होंने दिया है मुझे। बहुत टाइम के बाद मैंने तकरीबन 1-2 साल के बाद मैंने इस पुलिस यूनिफॉर्म टाइप का कुछ कैरेक्टर कर रही हूँ, और हफ्ता वसूली नहीं, बहुत ही आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना प्यारा प्यारी पुलिस वाली आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, ये ऑफकोर्स इस टाइप का कैरेक्टर है। ये मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहले भी एक कैरेक्टर इस तरह का किया था, लेकिन जब बात आती है कि एक CBI ऑफिसर या फिर एक अंडर कवर एजेंट या पुलिस ऑफिसर का कोई कैरेक्टर का, तो फिर हम लोगों को फिर वो सारी फिल्में देखनी पड़ती हैं जो इस बेसिस पे बनी है, क्योंकि फिर बात करने का तरीका, चलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो ऑफ कोर्स रिसर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मैं भी एक नॉर्मल सी एक छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, बट आज के टाइम में फीमेल्स मेल से कई गुना ज़्यादा ऊपर हैं, और आप भी आप देखेंगे तो आर्मीज़ में भी अगर आप सर्च करेंगे तो फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, पुलिस में भी फीमेल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और अभी हर जगह पे और फीमेल्स अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये सब सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए फीमेल्स को ये काम वो काम, तो ये गलत है, उन्हें करने दो जो वो करना चाहती हैं। और ऑफ कोर्स जो फीमेल पुलिस होती हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सबकी नज़रों में होती हैं, भले वो आर्मी फील्ड से हो, CBI फील्ड से हो, कहीं से भी हो, जो फीमेल कोई भी फील्ड में होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हम सबकी तरफ से होता है। एक अलग अलग ट्रैक है, ये लव ट्रायंगल है, बट एक बोलते हैं ना कि एक सस्पेंस, छोटा सा सस्पेंस है इस फिल्म के अंदर जो मुझे लेके है, जो आई थिंक जब फिल्म रिलीज़ होगी दर्शक देखेंगे तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं धीरू भाई, जो इन्होंने मतलब काफ़ी सारे TV सीरियल्स डायरेक्ट किए, दिया अनबाती और कुछ सीरियल्स हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अल्बर्ट जी और महेश वर्मा जी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ काम करके, पहली बार काम कर रही हूँ उन लोगों के साथ, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, एंड होप सो ये टीम आपको सेकंड बार और दूसरी बार और देखने को मिलेगी। संजीव मिश्रा हीरो हैं, न्यू कमर हैं, बट ऑफकोर्स उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और जो कैरेक्टर है उनके ऊपर जो टाइटल है रैम्बो राजा, वो ऑफकोर्स उनकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है, उनको मद्देनजर रख के लिखा गया और बनाया गया, तो वो कैरेक्टर को एकदम जस्टिफाई कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी। अभी आने वाले टाइम में मेरी सबसे पहली फिल्म जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आई थिंक 1-2 वीक के अंदर उसका ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा एंड देन फिल्म रिलीज़ होगी, फिर उसके बाद आएगी इलाहाबाद से इस्लामाबाद रिलीज़ होने वाली थी 6 मार्च को, आई थिंक 6-7 मार्च को, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रिलीज़ नहीं हुई, तो इलाहाबाद से इस्लामाबाद एंड देन सहनसा, ये 3 फिल्म मेरी अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ होगी। फिल्म बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल रह चुकी है, लोगों के अंदर गॉसिप भी बहुत ज़्यादा है उस फिल्म की, और ऑफकोर्स हमने यहाँ ही गुजरात में उस फिल्म की शूटिंग की थी, संजान में, ये सेम प्लेस है जहाँ हम लोगों ने उस फिल्म की भी शूटिंग की थी। एक तो फिर पहले तो 4 हीरो, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिर मैच, फिर 3 हीरोइनें, तो काफ़ी ज़्यादा मसाला है उस फिल्म में, तो उस फिल्म का ज़्यादा वेट हम भी कर रहे हैं और ऑडियंस भी कर रही है। मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी, जैसा प्यारा आशीर्वाद आप लोगों ने अभी तक बनाए रखा है, बस उतना ही प्यारा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, मेरी फिल्मों को ऐसे ही पसंद करें, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपके सामने और अच्छी अच्छी फिल्में लेके आऊँ। थैंक यू। ऑन लोकेशन हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, बिंदास भोजपुरी देखने वाले तमाम दर्शकों को और पूरे भोजपुरी समाज को मैं संजीव मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आज मेरी आने वाली फिल्म रैम्बो राजा का हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, एक पुलिस वाले का किरदार है, एक दबंग दरोगा का किरदार मैं निभा रहा हूँ फिल्म में। प्रियंका जी पूरी फिल्म में मालूम नहीं होता है कि वो एक पुलिस वाली हैं, और जब फिल्म का क्लाइमेक्स पे पहुँचती है तो अचानक पता लगता है कि वो पुलिस, वो हिडन कॉप होती है। नहीं, आमना सामने हमारी फिल्म में एज ए पुलिस नहीं होती है, वो एक सिंपल लड़कियाँ किरदार निभा रही हैं, जो बाद में पता लगता है कि वो एक पुलिस वाली है। शूट क्लाइमेक्स हो रहा है, फिल्म जो है समाप्त हो चुकी है, और बहुत जल्दी दर्शक इसे देखेंगे। 9 के 9 गांगने बड़े भाई घुंगरू जी ने बनाया,
बहुत अच्छा संगीत दिया है। प्रोड्यूसर है एडवर्ड जी और जो डायरेक्टर है वो मेरे भाई हैं धीरु यादव। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने फिल्म को। बस बाकी देखिए अब पब्लिक को कितना पसंद आती है। सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इस फिल्म का अनुभव जो है होल लाइफ काम आएगा मुझे। अपने दर्शकों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से फिल्म बना रहे हैं, देखिएगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा।